After 10th inning, the average score per inning of a batsman is 52. After 12th inning, the average score हो गया है, score 254. If the batsman had scored 16 more runs in 12th inning than in previous one, how many run did he score in the 11th inning? Okay, सबसे पहले 10 inning में कितना कर रहा है, 52 कर रहा है, मतलब 10 inning में कितना कर रहा है, 52. इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन मल्टीप्लाई किया 520. ओके, फिर कर रहा है 12 इनिंग में कितना कर रहा है, 54. तो 12 इनिंग में कर रहा है कितना है, 54. यहाँ तक तो एकदम सिंपल था, कितना हो गया 648. ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है. तो बोल रहे हैं इफ़ द बैट्समैन हैड स्कोर 16 मोर रन इन 12th इनिंग. ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, 12th इनिंग ये तो खेल चुका है एज इट इज़. ओके, तो उसको लिख लेना है पहले. सबसे पहले 648, 12th इनिंग खेल चुका है. 16 मोर रन इन द 12th इनिंग बोल रहे हैं. ओके, जो 10th इनिंग खेला था उसी में से ये जो 16 मोर रन है उसको ऐड कर लेना है. तो 10th इनिंग तो कितना खेला था, 520 में 16 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 536 हो जाएगा. ओके, और यहाँ पे देना है क्या, प्लस. अब बोल रहा है देन इन द प्रीवियस वन, इन हाउ मैनी रन स्कोर इन 11th इनिंग, 11th इनिंग में उसने कितना स्कोर किया बोल रहा है. तो देखिए इनिंग का डिफरेंस देखिए, 10 और 12 कितना, 2. तो 2x लिखिए इस बीच में यहाँ पे जो इनिंग्स का डिफरेंस है. ओके, यहाँ पे 2x लिखिए. अब देखिए यहाँ पे 2x तो है 648, 536 उधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 536, 648 में 536 माइनस होगा तो कितना होगा मेरा, 112 होगा. और यहाँ से 2 1 2 2 5 10, और यहाँ पे 6 2 6 12, तो x का वैल्यू कितना आया मेरा, 56, जो कि मेरा आंसर होगा. ओके, थैंक यू.